सिंगरौली में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आए बेरोजगार युवकों ने अपना पंजीयन कराया। इस दौरान क्षेत्र के विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे रोजगार अभियान के तहत कल्याण मंडप जयंत में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले भर से करीब 4,850 बेरोजगारों ने अपना पंजीयन कराया है और इनमें से 560 को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य कंपनियों में भी बेरोजगारों को योग्यता अनुसार रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर विधायक राम लल्लू बैस, विधायक सुभाष वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय पाठक, कलेक्टर राजीव रंजन मीना और जिला प्रशासन के अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। इस रोजगार मेले में 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें जिले भर के बेरोजगारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उधर रोजगार मेले पर विपक्षी पार्टी का कहना है कि जिले में स्थापित कई सारी बड़ी कंपनियां हैं जो इस रोजगार मेले में भाग नहीं ले रही हैं और उनमें स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, उन्हें भी इस रोजगार मेले में शामिल किया जाए। अब आशा तो यही करके आए हैं कि रोजगार मिलेगा, नहीं तो इतनी भीड़ में खड़े होने का फायदा क्या है। कितने घंटों से खड़ी है? अब हम लोग यहाँ पे आए हैं 2 बजे, 2 बजे से पता नहीं कितने बज गए। जिला रोजगार मेला सिंगरौली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में ही लगा था, उसी क्रम में सिंगरौली जिले में भी जयंत में एक आयोजन रोजगार मेले का हुआ। जिला रोजगार अधिकारी, जिला पंचायत, कलेक्टर मार्गदर्शन में मेले का आयोजन किया गया। मेले में काफ़ी संख्या में युवाओं बेरोजगार लोगों ने पंजीयन कराया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।